यूपी में हादसों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ताजा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। यहां दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। यह हादसा 5 डॉक्टर्स को निगल गया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टर्स की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बुधवार की सुबह लगभग 3 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के तिरवा इलाके में हुआ, जब डॉक्टर्स की स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक सभी डॉक्टर लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस सैफई लौट रहे थे। करीब सुबह 3 बजे तेज रफ्तार से जा रही उनकी कार अचानक से डिवाइडर से टकराई और दूसरी लेन में जाकर एक ट्रक से भिड़ गई। आपको बता दें कि इस हादसे में जिन डॉक्टर्स की मौत हुई वो सभी सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीजी स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कार में सवार जहां 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रही थी जो इस हादसे का कारण बन सके। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह हादसा भयानक और दिल दहलाने वाला है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।